हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली कदम उठाया सरकारी जॉब को करने का और सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करने का। तो बेसिकली क्या है, आपको सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करने से पहले उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं, और उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में आपको पता कहाँ पे चलेगा वो मैं आपको इस डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं एक आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे आपको सभी जॉब्स की डिटेल्स आपको उस वेबसाइट पे मिलती रहेगी, बट आपको वहाँ पे डे टू डे अपडेट रहना पड़ेगा उस वेबसाइट पे, तभी आपको अपडेट मिलता रहेगा। उस वेबसाइट पे जाके आप रिसेंट की देख सकते हैं कौन कौन सी जॉब्स है वो निकली है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी देख के उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे आपको अपने फोन के गूगल ब्राउजर पे आ जाना है, जहाँ पे आपको सर्च में लिखना है सरकारी जॉब फाइंड.com। तो इस वाली वेबसाइट को आपको सर्च कर देना है। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सरकारी जॉब्स की डिटेल मिलेगी। सामने का इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा। स्टार्टिंग में देखिए आपको होम लेटेस्ट जॉब रिजल्ट एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट के बारे में थोड़ा बताते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ पे न्यू वैकेंसीज की डिटेल्स हैं, अपडेट है वो बताते रहते हैं। इस वेबसाइट की खास बात ये है कि आपको ये तो जो वैकेंसी जिस डेट को अपडेट होती है उससे पहले ही बता देते हैं वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। जैसे आप सामने देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है SSC GD 2024 का, ये इन्होंने जो वैकेंसी अभी रिलीज नहीं हुई है बट इन्होंने इनका नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, उनकी डिटेल जारी कर रखी है। कहने का मतलब है आपको बॉक्स वाले पोर्शन में भी यहाँ पे जॉब्स के बारे में अपडेट मिलता रहेगा, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप जो होती है उनके बारे में भी अपडेट मिलता रहता है। और साथ साथ आप जैसे स्क्रोल डाउन करोगे तो आपको देखिए तीन पोर्शन में आपकी वेबसाइट डिवाइड हो जाती है, जिसमें से पहला पोर्शन आपका न्यू अपडेट का, दूसरा पोर्शन आपका एडमिट कार्ड का, और जो तीसरा है आपका टॉप ऑनलाइन फॉर्म का। तो जो पहला पोर्शन है न्यू अपडेट का, वहाँ पे आपको ओनली रिजल्ट के बारे में पता लगेगा कि जो वैकेंसी आपने फिलअप करी है उसका रिजल्ट आएगा। और जो मिडल वाला पोर्शन है एडमिट कार्ड, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे उस वैकेंसी के बारे में जो आप वैकेंसी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड वाला पोर्शन है ऑनलाइन टॉप फॉर्म का, वहाँ पे आपको सारी न्यू वैकेंसीज के बारे में डिटेल मिलती रहेगी, उसी के साथ अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको नोटिफिकेशन पढ़ के देन आपको अप्लाई करना है उस जॉब के बारे में, और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप एग्ज़ाम देके आपका यहाँ पे उसके बाद आपका न्यू अपडेट में उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब हम थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस वाली वेबसाइट में और इन्फॉर्मेशन आती है। इस वाली वेबसाइट की खास बात मेरे को ये लगी कि ये आपको डिटेल में बताती है हर चीज़, और साथ ही साथ आपको ये बताती है कि जो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हैं उसकी लास्ट डेट आपको यहाँ पे देखिए शो कर जाती है। तो मतलब इससे ये रहता है कि आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने में लेट ना हो जाए। तो देखिए आपके जब सामने है अदर ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे और अदर फॉर्म के बारे में डिटेल मिलती है, जैसे इंडिया एग्जिम बैंक MT ऑनलाइन फॉर्म अभी लॉन्च हुआ है, और भी बहुत सारे जो फॉर्म है अप्रेंटाइजशिप का फॉर्म होता है, मतलब बहुत सारे फॉर्म यहाँ वाले पोर्शन में भी मिलते हैं। इसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे अगेन आपको एक रिजल्ट वाला पोर्शन मिलता है, जहाँ पे आपको अगेन रिजल्ट के बारे में मिलते हैं जो भी वैकेंसी आप अप्लाई करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली MTS का आया है, देखिए BSF का आया है, और बाकी आप जैसे आप व्यू मोर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप उस पोर्शन के अंदर और डिटेल में चले जाओगे, जहाँ पे आपको और वैकेंसीज के बारे में पता लगेगा, जो आपकी लास्ट वैकेंसी थी, लास्ट रिजल्ट था और लास्ट एडमिट कार्ड था उसके बारे में आपको पता लगेगा व्यू मोर पे जाके। फिर उसके बाद आप जब नीचे आते हैं तो देखिए अगेन आपके तीन पोर्शन सामने आ जाते हैं, जहाँ पे आपके लिखा होता है फर्स्ट वाले पोर्शन में आंसर की। तो मतलब जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उन एग्ज़ाम का जो आंसर की है वो आपको इस वाले पोर्शन पे शो करता है। कहने का मतलब पेपर आप दोगे तो पहले पेपर का रिजल्ट नहीं आएगा, पहले आएगी पेपर के आंसर की, उसके बाद आएगा आपका रिजल्ट, वो आपको बताती है कि आपका पेपर कैसा गया। अगर आपने इस आंसर की में अच्छा स्कोर किया होगा तो आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी और वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर की का ये फ़ायदा होता है कि लोगों को वेट ना करना पड़े रिजल्ट का, और वो अपने दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सके, या उसी एग्ज़ाम की तैयारी है वो आगे कर सके। कोई कोई जॉब्स होती है जो आंसर की प्रोवाइड नहीं करती, डायरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मिडल वाले पोर्शन में देख सकते हैं ऑफलाइन, जहाँ पे लिखा है संविदा लिखा है, यहाँ पे आपको और अदर स्टेट्स की वैकेंसीज की फॉर्म मिलते हैं, जहाँ पे आप इनको अप्लाई कर सकते हैं इनकी नोटिफिकेशन पढ़ के। इसके बाद आपका थर्ड पोर्शन आया था जहाँ पे लिखा है एडमिशन फॉर्म, वहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट के जो BEd के अलग अलग कोर्सेज के एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो वहाँ पे मिलते हैं, वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके फिलअप कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे आप और स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि और तीन पोर्शन आया था, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे सर्टिफिकेट है, दूसरे पे सिलेबस है, और तीसरे पे अपकमिंग स्कॉलरशिप। जो फर्स्ट नंबर पे सर्टिफिकेट है वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं,
टेंथ ट्वेल्थ के यूपी बोर्ड के सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं आप। पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें उस चीज़ के बारे में आपको मिलता है यहाँ पे। जो बीच वाला पोर्शन है सिलेबस का, आप सिलेबस देख सकते हैं पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में, जो आपने ऊपर फिलअप करा उसी का सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है। और जो तीसरा है अपकमिंग स्कॉलरशिप, वहाँ पे आप अपकमिंग स्कॉलरशिप देख सकते हैं यूपी की अपकमिंग स्कॉलरशिप, ट्वेल्थ बेस पे जो स्कॉलरशिप निकलती है बिहार की, इस हिसाब से। ठीक है, अब मैं दोबारा से स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ इस पेज के, जहाँ पे मैं आपको एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में बताऊंगा कि उस जॉब के अंदर आपको क्या न्यू एडिशन चीज़ मिल सकती है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया हो सकता है, एलिजिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ किसी एक पे। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप ऑनलाइन फॉर्म पे, यहाँ पे मैं TMB बैंक क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2023 जिसकी लास्ट डेट है 6/11/2023 को क्लिक करता हूँ, खोलता हूँ इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं न्यू इंटरफेस में आ जाता हूँ, जहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाती है कि TMB का मतलब क्या है, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद आप जैसे ही स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखोगे टू पोर्शन है यहाँ पे, जिसमें से पहला पोर्शन है इंपॉर्टेंट डेट्स कि जो एप्लीकेशन है कब चालू हुई थी और इसकी लास्ट डेट कब है और इसकी लास्ट फीस पे करने की डेट कौन सी है। और इसमें देखिए एग्जाम डेट भी बता रखी है, नवंबर में हो सकते हैं और एडमिट कार्ड भी उसी समय आपको अवेलेबल किया जाएगा। जो राइट वाला पोर्शन है वहाँ पे देखिए बता रखा है एप्लीकेशन फीस, किस कैटेगरी की कितने रुपए चार्जेस लगेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, ये बता रखा है, और किसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर जॉब की वैकेंसीज के बारे में पता लगेगा, जैसे कि टोटल वैकेंसी देखिए 72 है और पोस्ट का नाम है प्रोबेशनरी क्लर्क। ओके, इसके बाद देखिए इसमें आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पता लग रहा है, जहाँ पे आपको मांग रहे हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए उसके, और एज लिमिट बता रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल होनी चाहिए ग्रेजुएट के लिए और 26 साल होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जो एज का रिलैक्सेशन है वो रूल के हिसाब से मिलता रहेगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद नीचे देखिए स्टेट वाइड वैकेंसी की डिटेल बता रहे कि जो टोटल 70 पोस्ट अवेलेबल है उसमें से कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये देखिए बता रखा है स्टेट वाइज। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और तो यहाँ पे आप देखिए अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में, क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या उसका नोटिफिकेशन हो सकता है और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है उस जॉब के लिए। ये इस वेबसाइट की खास बात है कि किसी भी जॉब के बारे में वो डिटेल में बता देती है और साथ साथ उसकी लास्ट डेट भी बता देती है और साथ साथ उसका नोटिफिकेशन पहले ही बता देते हैं कि हाँ ये वाली जॉब है जो आने वाली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आई विश ये वाली वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी किसी भी पर्टिकुलर सरकारी जॉब्स की अपडेट लेने के लिए, और उन जॉब्स के बारे में अप्लाई कैसे करना है वो आप यूट्यूब पर 10 वीडियो में देख सकते हैं। बट मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि किसी भी जॉब को करने से पहले आपको उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए और आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसी के बाद ही आप उस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को यही पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आते रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।